भगवान तो सेवक बनने को भी तैयार हो जाते हैं, कोई बनाने वाला तो चाहिए। एक सेठ जी थे, उन्हें नौकर की आवश्यकता थी। उनके यहां साधु सेवा बहुत होती थी। भगवान को भी उस सेठ का घर प्रिय था, बड़ा परम वैष्णव थे वो सेठ जी। भगवान को वहां जाने के लिए लालायित थे कि कब ये सेठ जी हमें बुला लें। जब वृद्ध अवस्था आई, दोनों दंपति संतों की सेवा, भगवान की सेवा किया करते थे। भगवान को भी लगा कि इनके यहाँ साधु सेवा बहुत होती है, हमें भी मौका मिले साधु सेवा करने का। तो भगवान एक बच्चे का रूप धारण करके सेठ जी के सामने पहुंच गए। सेठ त्रिलोक चंद्र नाम था सेठ का। तो वो जैसे ही घूम रहे थे, उस सुबह सुबह घूम रहे थे और बालक को देखा, तो छोटा सा बालक, बड़ा सुंदर बालक था। बालक को देखा तो कहा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? तो छोटे से बालक ने कहा कि मेरा नाम अंतर्यामी है। अरे अंतर्यामी बहुत सुंदर नाम है। बोले बेटा कहाँ घूम रहे हो? बोले कुछ नहीं सेठ जी, ऐसे ही घूम रहे हैं। तो बोले घर कहाँ है तुम्हारा? बोले घर तो नहीं है कहीं, घर तो है ही नहीं हमारा। तो बोले माता पिता? बोले माता पिता भी नहीं है। सेठ जी को लगा शायद पधार गए होंगे। अब भगवान तो सच ही कह रहे हैं, माता पिता का भी कोई ठिकाना नहीं है। सेठ को लगा कि अच्छा बेटा, बोले जा कहाँ रहे हो? बोले कहीं नहीं सेठ जी, कहीं भी कोई नौकरी मिल जाएगी तो हम कुछ नौकरी वगैरह कर लेंगे और हम अपना गुजारा कर लेंगे। तो सेठ जी को भी याद ही, रात में ही चर्चा हो रही थी कि हमें भी नौकर की आवश्यकता है। तो बोले बेटा हमारे घर में नौकरी करोगे? बोले नेकी और पूछ पूछ, हम तो नौकरी करने के लिए ही तैयार हैं, घूम ही रहे हैं। आप मिल गए हम जरूर करेंगे, होता क्या है आपके यहाँ? सेठ जी कहने लगे, बेटा हमारे यहाँ साधु सेवा होती है, अगर साधु सेवा तुम्हें करना आती है। बालक बने भगवान कहने लगे, साधु सेवा में तो मेरा बचपन से ही बहुत लगाव है, मैं तो कर ही लेता हूं। तो बोले चलो हमारे यहां। भगवान कह ले, हाँ चल बिल्कुल हम तैयार हैं, परंतु एक बात याद रखो। सेठ जी ने कहा, बेटा तुम्हारा वेतन क्या होगा? बालक बने भगवान कहते हैं, सेठ जी हमें आगे पीछे तो कोई है नहीं, पैसा टका तो कुछ चाहिए नहीं, बस खाली सुबह शाम भोजन मिल जाए करे, बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए। अरे बोले सेठ जी, बोले बेटा भोजन की कोई बात है क्या? लेकिन इतना याद रखना, थोड़ी डाइट मेरी ठीक ठाक सी है, और किसी ने मेरे खाने पीने में रोक टोक की तो फिर मैं वहां रहता नहीं, भाग जाता हूँ, ये मेरी विशेषता है। सेठ जी को, सेठ जी ने कहा, बेटा ना सब भरा पड़ा है भंडार, भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है घर में। सेठ जी बालक बने भगवान को लेकर घर पहुंचे। सेठानी से कहने लगे, देखो ये अंतर्यामी नाम है इसका, छोटा सा बेटा है, इसे बहुत अच्छा सेवा साधु सेवा करने आती है, इसको प्यार से खिलाओ पिलाओ। और समझा दी सारी बात भगवान की, जो कहा था कि इसके खाने पीने में रोक टोक मत करना, खूब खिलाओ। भगवान ने 13 महीने तक सज्जनों सेवा करी उस घर में। त्रिलोक चंद सेठ के यहाँ 13 महीने तक भगवान ने सेवा करते रहे, साधु सेवा, झूठे बर्तन भी मांज रहे हैं, सेठ की सेवा कर रहे हैं, क्या क्या नहीं किया। अब नौकर का तो काम आप जानते हैं, नौकर को क्या क्या करना पड़ता है, झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, साधु सेवा कर रहे हैं, सब कुछ करते रहे 13 महीने तक भगवान ने सेवा की। एक दिन पड़ोस में सेठानी बैठने चली गई, तो पड़ोस ने अकस्मात, और सज्जनों 13 महीने तक भगवान उस घर में रहे तो सेठ त्रिलोक चंद्र उसको पुत्रवत स्नेह करने लगे, जैसे अपने बेटे का लालन पालन करते हैं, जितना प्यार बेटे को करते हैं। सायंकाल का जो भोजन होता था, सेठ जी अंतर्यामी के साथ में बैठ के ही करते थे, बड़ा स्नेह करने लगे सेठ जी अंतर्यामी से। एक दिन क्या हुआ, 13 महीने के बाद सेठानी पड़ोस में जैसे बैठने गई तो पड़ोस ने पूछ दिया, अरे बहन तुम बड़ी दुबली हो रही हो, क्या कारण है? अरे तो सेठानी के मुख से निकल गया कि कुछ नहीं बहन, और तो सब ठीक है, कोई बात नहीं है, वो अपना अंतर्यामी है ना। हाँ बोले हाँ जानती हूँ मैं तो अंतर्यामी को। बोले बहन क्या बताऊं, दिन में 4-4 बार भोजन करता है और एक एक बार में 5-5 टिक्कर खा जाता है, खाता बहुत है, लेकिन सेवा तो बहुत करता है लेकिन खाता बहुत है बहन। इधर सेठानी ने ये चर्चा की पड़ोसन से, और उधर अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गए।
चले गए। जैसे गए सेठानी घर पे आई तो कहीं ना कहीं होगा ऐसा देख के रहेगी। शाम को जब सेठ जी आए तो सेठ जी को अंतर्यामी जैसे नहीं दिखे, जैसे ही नहीं दिखा तो सेठ जी ने कहा कि क्यों वो अंतर्यामी कहाँ है। बोले भगवान देखा तो मैंने भी नहीं है, बहुत देर से पता नहीं है कहाँ चला गया। पुकारा बहुत, अंतर्यामी कहाँ हो, अंतर्यामी आओ भोजन करते हैं। बहुत देर तक ढूंढा, थाली भोजन की परसी रखी है, अंतर्यामी नहीं आया। जैसे अंतर्यामी नहीं आया तो सेठ जी को वो बात याद आई कि मेरे भोजन में कोई रोक टोक करेगा तो मैं फिर वहां नहीं रहूंगा, ये बात याद आ गई सेठ जी को। तो सेठ जी ने सेठानी से पूछा, क्यों तुमने उसके भोजन में कोई रोक टोक तो नहीं की? सेठानी बोली, नहीं उसके भोजन में तो मैंने रोक टोक नहीं की, पर हाँ पड़ोसन से जो चर्चा जरूर हुई थी मेरी आज, तो मेरे मुख से निकल गया कि वो खाता बहुत है बस। सेठ जी का माथा ठनका कि यदि मान लो सेठानी ने सेठ बगल में पड़ोसन से कहा तो इस अंतर्यामी को पता कैसे चल गया। सारी बात समझ में आ गई कि ये अंतर्यामी और कोई नहीं थे, अंतर्यामी बस मेरे साक्षात प्रभु नारायण थे। भोजन की थाली परसी थी दूर सरका दी। सेठानी से कहने लगे, जब तक अंतर्यामी नहीं आएगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। सज्जनों, 3 दिन हो गए पूरे सेठ जी ने अन्न और पानी ग्रहण नहीं किया। अंतर्यामी को दया आई, अंतर्यामी भगवान स्वयं अपना रूप धारण करके सेठ के सामने पहुंचे और कहने लगे, सेठ जी हमें तुमसे कोई नाराजी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छा लगा हमको, 13 महीने तक हम रहे और कोई शिकायत नहीं हुई। हमें कोई शिकायत नहीं है तुमसे, भोजन करो। बार बार सेठ जी प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, प्रभु मैंने नौकरों जैसा व्यवहार किया तुमसे, कितनी मेरे से भूल हो गई, मुझे क्षमा करना। भगवान बार बार कह रहे हैं, नहीं हमें कोई परेशानी नहीं, कोई शिकायत नहीं है तुमसे। कहने का तात्पर्य हमारा यह है, सज्जनों भक्तमाल में बहुत भक्तों के चरित्र लिखे पड़े हैं। भगवान को निष्ठा पूर्वक भजने से ही भगवान प्राप्त होते हैं। हमारी निष्ठा अगर दृढ़ है, संकल्प हमारा पक्का है, तो भगवान को मजबूर हो जाते हैं, भगवान मजबूर हो जाते हैं उस भक्त की रक्षा करने के लिए, और भगवान हर हाल में उस भक्त की रक्षा करते हैं। गांठ में बांधे नहीं, मांगत में सकुचान, पाछे पाछे हरी फिरे, भूखे ना रह जाए। ऐसे भक्तों की प्रभु बार बार हर हाल में रक्षा करते हैं। आज पितामह भीष्म कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन तुमने क्या क्या नहीं बनाया इनको, सब कुछ बना दिया तुमने। भगवान ने सारा किया पांडवों को। पितामह भीष्म अब जाने वाले हैं, इनका जाने का समय निश्चित हो गया, पूछ लो जो कुछ पूछना है, जो कुछ पूछना है वो पूछ लीजो। जैसे ही पितामह भीष्म ने ये सुना कि कुछ कह रहे हैं केशव, तो भगवान को बुलाया, बोले केशव सुनो, बहुत देर कर दी तुमने आने में, वैसे भी मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, लेकिन मैं बस इसी समय की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मेरे सामने भगवान आए और कब मैं उनके दर्शन करूं और कब मैं अपना ये 5 भौतिक देह त्याग कर आपके धाम को जाऊं। पितामह भीष्म अपनी वाक्य पुष्पांजलि भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं, लेकिन एक बात, जैसे ही पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु तुमने मुझे बहुत प्रतीक्षा कराई है, जितनी तुमने मुझे प्रतीक्षा कराई है उतने देर तक तुम मेरे सामने यूं ही खड़े रहो, भगवान का चेहरा लटक गया। ये भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, पता नहीं कब तक ऐसे ही खड़े रहना पड़ेगा। भगवान का मुंह लटक गया,
सज्जनों, जैसे ही भगवान का मुंह लटका, पितामह भीष्म कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता, कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं, प्रसन्नं निहासारुणलोचनो लसन्, मुखान् भुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजं, मुखान् भुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजं। प्रभु, मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि तुम मुंह लटका कर खड़े हो जाओ, प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम भुजो ध्यान पतस चतुर्भुजं। प्रभु, मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया, अरे आपका लटका हुआ मुख देख कोई देखता थोड़ी है, आपकी जो मुस्कान में जादू है उस जादू को देखने के लिए आपके भक्त लालाहित रहते हैं और आपने ये चेहरा मुरझा लिया। मैं तो आपकी मुस्कान देखने के लिए अभी तक प्रतीक्षा कर रहा हूं। भगवान का चेहरा लटक गया। सज्जनों, भक्त तो भगवान के, अब वो तो भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण का तो कहना ही क्या है, उनका नाम है कृष्ण।